आज हम भिंडी की बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बना रहे हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज को चॉप कर लिया, एक हरी मिर्च और साथ साथ लहसुन की कलियां ली हैं। तो हम सब्जी की तैयारी करेंगे। ऐसे चॉप कर लिया है और चॉप करके मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए और साथ में मैंने सरसों का ऑयल भी इस स्पून से मैंने कम से कम 4 स्पून ऑयल डाला है। और मैं इसमें नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको सब्जी बनाएंगे। तो ये भिंडी बनाने का बहुत ही यूनिक और अच्छा तरीका है। इससे बहुत ही डिलीशियस भिंडी बनके तैयार होगी। तो आगे हम देखते हैं। तो सब्जी के लिए हम सबसे पहले तेल को गर्म करेंगे, फिर उसमें हींग, जीरा, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज और हरी मिर्च, लहसुन ये सब भून गया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये प्याज भी भिंडी के साथ ही पकेगी, तो हमें बस 2-3 मिनट ही इसको भूनना है। अब हम इसमें भिंडी को मिक्स कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो ये अचारी भिंडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए अब भिंडी हमारी बनके रेडी हो गई है और इसका मसाला भी काफ़ी अच्छे से भून गया है। तो आप भी इसे घर पे बनाइए, ट्राई करिए अचारी भिंडी। ये बहुत ही अच्छी है, सिंपल और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो आप भी इसे अपने घर पे बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।